मैं इलाहाबाद से आया हूं, मेरा नाम राजीव दीक्षित है और पिछले कुछ वर्षों से मैं भारतीय संस्कृति और इस राष्ट्र को बचाने के एक आंदोलन में लगा हुआ हूं। उस आंदोलन का नाम है आज़ादी बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन सन 1992 से चल रहा है और जब से ये चल रहा है तब से मैं इसमें लगा हुआ हूं। पेशे से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का इंजीनियर रहा और एक रिसर्च प्रोजेक्ट में मैंने काम किया, लेकिन सन 1992 में अपना सारा काम छोड़कर, अपने कैरियर को छोड़कर, अपने सारे धंधे को छोड़कर राष्ट्र को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के एक आंदोलन में मैं लग गया। बापू की कृपा हुई, उन्होंने मेरे व्याख्यान की कुछ कैसेट सुनी और उन्होंने जब मेरे व्याख्यान की कैसेट सुनी तो उन्होंने मुझे संदेश भिजवाया। बापू श्री का जो दिल्ली का आश्रम है, वहाँ के साधक भाई बहनों ने मुझे फ़ोन पर संदेशा कहा कि बापू का सत्संग का कार्यक्रम है और उसमें आपको जरूर जाना है। वैसे आज मुझे जलगांव जाना था, लेकिन बापू श्री के कल के आदेश पर मैंने मेरे जलगांव का कार्यक्रम रद्द किया और आपके बीच आया। मैं आपसे दो तीन बातें कहूँगा कि इस देश की इस समय की हालत क्या है। कल मैंने पहली बार पूज्य बापू के दर्शन किए, उसके पहले मैंने उनके कैसेट सुने थे, उनके बारे में सुना था, लेकिन दर्शन का लाभ कल मिला और कल लगभग 40 मिनट मैं उनके साथ रहा। तो 40 मिनट मुझे बापू का जो सानिध्य मिला उसमें उन्होंने जो कहा वैसी ही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ सारे देश में, शायद अपनी भाषा में। बापू ने मुझको कहा, और कल बापू का जो कार्यक्रम था बोंटा में, वहाँ भी उन्होंने कहा कि ये 50 साल की आज़ादी आई है या सारे देश की बर्बादी हुई है। तो मैं यहीं से मेरी बात शुरू कर रहा हूं जो कल बापू ने कही मुझसे, कि सच में 50 साल की आज़ादी आई है या हमारी बर्बादी ज़्यादा हुई है। पिछले 50 साल में जो आज़ादी हमको मिली है उस आज़ादी का मतलब क्या है? एक तरफ तो सरकार कहती है और देश के सारे माहौल में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत की आज़ादी के 50 साल पूरे हो गए, और दूसरी तरफ सारा देश जिस तरह से चल रहा है, जो हालात हैं पूरे देश के, वो ये बताते हैं कि ये जो 50 साल की आज़ादी है ये तो भारत के पिछले 500 साल की गुलामी से भी ज़्यादा बुरी है। और मैं भी यही बात कह रहा हूँ जो बापू कह रहे हैं कि आज़ादी के 50 साल पूरे हुए हैं या गुलामी के 500 साल पूरे हुए हैं। और जब मैं ये कहता हूँ कि गुलामी के 500 साल पूरे हुए हैं तो कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि राजीव भाई आप ऐसा क्यों बोलते हैं, तो उसके पीछे कुछ गंभीर कारण हैं और उसके पीछे कुछ ठोस सच्चाइयां हैं। ये 500 साल की गुलामी की बात क्या है? आज से लगभग 500 साल पहले एक परदेशी आया था हमारे देश में, उसका नाम था वास्को डिगामा। 20 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत में आया और वास्को डिगामा जो भारत में आया वहां से भारत के गुलामी की एक नींव पड़ी। पुर्तगालियों ने हमारे देश को गुलाम बनाया। वास्को डिगामा पुर्तगाल से आया था और इस देश में इतिहास में जो गलत काफी हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, तो हमको इतिहास में यह पढ़ाया जाता है कि वास्को डिगामा भारत की खोज करने के लिए आया था, यह बात सच नहीं है। वास्तविकता यह है कि वास्को डिगामा इस देश को ईसाई बनाने के लिए आया था और वास्को डिगामा को ईसाईयत का प्रचार करने के लिए हिंदुस्तान में भेजा गया था।